हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर टेस्टी एंड हेल्थी वेजिटेबल नमक पारे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं। यह आसानी से बनने वाली रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आती है। आइए देखिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 बड़ी कटोरी मैदा, 1 छोटी कटोरी सूजी, 1 छोटी कटोरी आटा और यहाँ पर हमने लिए हैं बॉइल्ड और चॉप्ड आपके स्वीट कॉर्न्स, आप चॉप्ड गाजर है, चॉप्ड धनिया और चॉप्ड पत्ता गोभी। मसालों में हम यहाँ पे ले रहे हैं कस्तूरी मेथी, भुना हुआ जीरा, पिसी हुई काली मिर्च, गरम मसाला और आपका चाट मसाला। यहाँ पे हम भुने या कच्चे कैसे तिल ले सकते हैं, दूध, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी और वेजिटेबल ऑयल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। अब हमें एक डो तैयार करना है जिसके लिए हम इन सब सामानों को मिला लेंगे। हम मैदा में सूजी, आटा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारे मसाले, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी, कस्तूरी मेथी, जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला, तिल अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें अपने वेजिस डालेंगे और इन्हें अच्छे से चलाते हुए हमें मिक्स करना है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। हमने एक एक करके अपने सारे वेजिस इसके अंदर मिला लिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए एक डो अपने नमक पारों के लिए तैयार कर लेंगे। ये डो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल डो हमें तैयार करना है जिसे हम आराम से रोल आउट कर सकें। अब हम इसमें वेजिटेबल ऑयल डालते हुए इसमें थोड़ा सा मोन लगा लेंगे और अपना डो तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इस डो पर थोड़ा सा ऑयल का लगा कर इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। करीब हमें इसे 20 मिनट तक ढक के रेस्ट करने के लिए रखना है। 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो परफेक्ट हो चुका है। अब इस डो में से हमें कुछ बॉल्स डिवाइड करके निकालनी है और उन्हें हमें रोल आउट करना है। जैसे हम रोटी रोल आउट करते हैं, पर हमें इसे थोड़ा मोटा रखना है। हल्के हाथ से रोल करते हुए कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं इसे ना ही तो मैंने ज़्यादा पतला रोल करा है और ना ही ज़्यादा मोटा रोल करा है। अब हम इन्हें शेप देते हुए छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं, और फिर इन्हें हमें प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने एक तरफ तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इन्हें इस तेल में एक एक करके इन्हें छोड़ देंगे और इन्हें अच्छे से हमें डीप फ्राई करना है। हमें हमारी गैस स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। हमें तेज गैस पे इन्हें नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर तक फ्राई नहीं होंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे फ्राई हो चुके हैं और खाने के लिए तैयार हैं।